हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई ग्रामर एंड आर ट्यूटोरियल्स। अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रूल नंबर 16 से। क्या है रूल नंबर 16? ये है डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड। द इज यूज्ड विथ नाउंस ऑलरेडी मेंशनड एंड रेफर्ड अगेन। द जो होता है आर्टिकल द, इसका बहुत बार प्रयोग यूज हम इस तरीके से भी करते हैं कि किसी सेंटेंस में हम किसी नाउन को ऑलरेडी यूज कर चुके हो और पर्टिकुलरली जब उसके बारे में हम बात करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। जैसे कि आई मेट अ बॉय, यहां पे मैंने लिखा अ बॉय, उसके बारे में मैंने मेंशन कर दिया। बट अभी उसी लड़के के बारे में मैं जब फिर से बात करूंगा तो मैं कहूंगा आई मेट अ बॉय, द बॉय इज अ डॉक्टर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उससे रिलेटेड ये, यस्टरडे आई मेट अ मैन, द मैन वॉज माई ब्रदर्स फ्रेंड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखिए। अब थर्ड सेंटेंस ठीक से देखिए, अ टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। अब आप कहोगे कि यहां पे द का तो यूज हुआ ही नहीं है। उसके बाद वाला सेंटेंस देखिए, द टाइगर is a dangerous animal, यहां पे is चाहिए था, the tiger is a dangerous animal। अब आप ठीक से देखोगे तो थर्ड सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस एक की इसमें लिखने थे मुझे, पर मैंने अलग अलग करके लिखे। थर्ड सेंटेंस बताता है a tiger is a dangerous animal, उस ग्रुप के लिए मैंने a यूज कर लिया, पहले कम्युनिटी थी टाइगर्स की तो उस कम्युनिटी के लिए मैंने यूज किया। बट उसके बाद मैंने पर्टिकुलरली उस कम्युनिटी के बारे में जब बात की तब मैंने द का यूज किया, द टाइगर इज डेंजरस एनिमल। अंडरस्टूड? अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 70। व्हेन वी स्पीक ऑफ थिंग्स विच आर द ओनली वन ऑफ देयर काइंड, इसका मतलब होता क्या है, जैसे कि यूनिक चीजें जो पूरे दुनिया में एक ही तरह की है तो उनको जब हम रेफर करते हैं तो उसके लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, द सन, द मून, द वर्ल्ड, द स्काई और लास्ट में है द अर्थ। अंडरस्टूड? अब देखेंगे हम रूल नंबर 18 क्या है। देखिए रूल नंबर 18, व्हेन रेगुलर काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स हो या फिर नाउन हो, Which stands for a class, किसी क्लास के बारे में जब हम उस ऑब्जेक्ट्स को या नाउन को हम रेफर करते हैं तब हमें आर्टिकल द इसका यूज करना है, द इसे डेफिनेट आर्टिकल हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द साइकिल इज द कॉमन मैंस व्हीकल, द काउ गिव्स अस मिल्क, द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, द लायन इज अ डेंजरस एनिमल और लास्ट में है द डॉग इज अ लॉयल एनिमल। अंडरस्टूड? अब देखते हैं हम रूल नंबर 19। देखिए, बिफोर एन एडजेक्टिव टू टर्न इट इनटू अ नाउन, किसी एडजेक्टिव को हम जब नाउन में टर्न करते हैं, बदलते हैं, तो उस वक्त उसमें बदलाव होता है। जैसे कि द प्लस एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए, द ओल्ड मैन। Understood? Next sentence देखिए, the young boy, आप यहां पे ये भी बोल सकते हो the young girl या फिर young woman, ये भी बोल सकते हो। Next देखिए, the blind man, the educated girl, the strong woman। अब इनसे related और भी होते हैं but इनसे related अब sentence देखते हैं हम, sentence में इनको देखेंगे हम। There is a school for the deaf in the city, द रीच मस्ट हेल्प द पुअर, एंड लास्ट है द पुअर आर ऑलवेज हेल्पलेस। अंडरस्टूड? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।